भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल खिला था कमल खिलेगा, कमल खिला था कमल खिले, घर घर भगवा लहराए, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी। पाल जी की नेतृत्व निराली, चारों तरफ छाई खुशहाली, जन जन यही पुकारे, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हाँ, बार बार बीजेपी। मोदी योगी जो कहते करके उसको दिखलाते, सांसद और विधायक मिलकर है उनका साथ निभाते। गैरों की सरकारों ने है देश को मिलकर लूटा, गठबंधन वही बनाते करते हैं वादे झूठा। एक विकल्प एक ही जरूरत हो, एक विकल्प एक ही जरूरत, घर घर छाए मोदी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हाँ, बार बार बीजेपी। माँ बेटी बहुओं ने भी अब अपना हक है पाया, घर घर शौचालय। मेवाड़ में निकाय चुनाव का अपना एक अलग ही महत्व है। हम अभी वार्ड नंबर 3 से अतुल जी चंडालिया हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के मुद्दे आपके हैं और क्या विजन के साथ में आप चुनाव कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 से भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। मैंने नगर निगम के द्वारा, माननीय विधायक जी गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा, माननीय सांसद जी द्वारा, UIT के द्वारा लगभग अपने क्षेत्र में 12 से 14 करोड़ रुपए के बीच का अंदर मैं कार्य करा चुका हूँ। मेरी फर्स्ट प्राथमिकता जो पहले भी थी और आज भी है, मेरी फर्स्ट प्राथमिकता ये है सड़क, नाली, लाइट, सफाई, उसके बाद जो वहाँ के निवासियों के लिए जो मैं पक्का निर्माण कर सकूँ, वो मेरी पहली प्राथमिकता शुरू से ही उस वार्ड में भी रही और इस वार्ड में भी मेरी शुरू में प्राथमिकता यही है कि जो दैनिक जो आदमी वहाँ के रहने वाले निवासियों का जो काम आता है, उनके जो समस्याएं हैं पहले उसका निपटारा करना जरूरी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, पार्टी ने एक अपना अलग रूप दिखाया है। आप पार्टी में शुरू से रहे, आपने वार्ड नंबर 1 का जिक्र किया है, वार्ड नंबर 3 की आपकी जिम्मेदारी मिली है, 3 में ऐसा क्या बड़ा विजन रहेगा जिससे कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? संगठन ने मुझे लगातार दूसरी बार पार्षद के लिए बनने के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो सबसे पहले तो संगठन का धन्यवाद। और वार्ड नंबर 3 जो लगभग 4 क्षेत्रों में है, देवाली गांव है, सैली नगर है, पोलो ग्राउंड है, न्यू फतेहपुरा और कुछ हिस्सा रेलवे कॉलोनी का है, तो सबसे पहले मेरा ये है कि वहाँ की जो सड़कें हैं, जो सीवरेज अभी उसमें डाली है, तो उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी चालू ही है और अब उसके ऊपर पेवरीकरण का कार्य कराना है। दूसरा, वहाँ पे एक समस्या है नालियों की, तो नालियाँ भी मुझे जल्द से जल्द उसमें बनवानी है। और उसके बाद जैसा जो यहाँ के मूल्यवासी, जो यहाँ के रहवासी हैं, जो मुझे काम बताएंगे, मेरा एक विजन ये था कि इसके अंदर इतनी बड़ी कॉलोनी में भी, जैसे सैली नगर जो क्षेत्र है उसके अंदर अभी भी कोई बच्चों के खेलने का कोई स्थान, अभी तक ऐसा प्ले ग्राउंड टाइप मुझे कुछ नज़र आया नहीं,
तो मेरी ये है कि मैं नगर निगम के द्वारा या UIT के द्वारा अगर मुझे कोई ऐसी ज़मीन या ऐसा कुछ दिखता है या उनको मिलता है और मैं नगर निगम से या कहीं से भी पास करा के अगर उसके अंदर एक प्लेग्राउंड की अगर मैं व्यवस्था कर पाऊँ तो ये मेरी एक पहली बात। सर एक हमें सही सवाल बन रहा है, 100 स्मार्ट सिटी में हमारे शहर को शामिल किया और एक बड़े विज़न के साथ में हमें काम करना चाहिए था, हम उस काम को कर रहे हैं लेकिन अभी उस काम को गति नहीं मिल पाई जो हमें चाहिए। तो अगर बोर्ड बनता है और आप उसमें सहभागिता आपकी रहती है तो किस तरह का विज़न के साथ में आप आगे उसको आगे बढ़ाएं? 100 स्मार्ट सिटी का एक पूरा फेस है, पर अभी जो सर्वप्रथम जो 20 स्मार्ट सिटी चयनित हुई उसके अंदर एक उदयपुर भी चयन हुआ, मतलब फर्स्ट जो 20 स्मार्ट सिटी का चयन हुआ। आप ये सोचें कि एक शहर की पॉपुलेशन जो मात्र 5 से 6 लाख के बीच है और उसको स्मार्ट सिटी में चुनना, मतलब ये मोदी जी का और राजस्थान की सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काम सब चालू है और बहुत अच्छी और बहुत गुणवत्ता के द्वारा कार्य हो रहा है, काम में कहीं कोई कमी नहीं है। समय लगता है क्योंकि उदयपुर की भौगोलिक स्थिति दूसरे शहरों से अलग है, यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ चट्टाने हैं, उनको जो अंदरूनी शहर आप जो 18 वार्ड देख रहे हैं उन वार्डों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि काम करने में समय लगता है। और ये जरूर है कि जो काम हो रहा है उसमें कंपनी अपना 100% वहाँ पे दे रही है और आने वाले समय में 1 या 2 साल की जो तकलीफ है बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी शहर उदयपुर बनने वाला है। रही मेरी सहभागिता की बात तो 100% जैसा भी मुझे जो कार्य मिलेगा मैं 100% ईमानदारी के साथ उस कार्य करूँगा। अंतिम सवाल, मतदाताओं को क्या मैसेज है आपका? मतदाताओं से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला है, आप अपना पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से चुने और मैं 24 घंटे आप जैसा मुझे निवेदन करेंगे मैं जो भी कार्य आप मुझे बताएंगे मैं 100% उस कार्य को करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैंने किया भी है। और वार्ड नंबर 1 में मुझे बहुत ही कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि पूरे नगर निगम में अगर सबसे ज़्यादा कार्य अगर किसी वार्ड में हुआ तो मेरे वार्ड नंबर 1 से हुआ है जिसमें भी मैं वर्तमान में पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 1 की जनता का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद रहा कि मैं यहाँ से चुन के गया और पूरे 5 साल वहाँ के रहने वाले निवासियों ने मुझे इतना प्रेम और इतना आशीर्वाद दिया। मैं उन लोगों से भी सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ से भी मेरा छोटा भाई मुकेश गमेती और उसी का एक टुकड़ा हुआ है जो वार्ड नंबर 70 है वहाँ से भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है कमलेश गमेती, उन्हें टिकट दिया। मैं वार्ड नंबर 1 के और वार्ड नंबर 70 के जितने भी रहने वाले हैं मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ कि संगठन के हैं और हम सब बराबर हैं, आने वाले समय में जैसे मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया वैसे भी उन दोनों मेरे नए कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दें। और वार्ड नंबर 1 में इतना काम है हुआ है और वार्ड नंबर 70 में भी इतना काम हुआ है, अब सिर्फ उन कार्यों को देखभाल कर ले, सफाई का काम कर ले, लाइटें दुरुस्त करा ले, उसके अलावा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कार्य उसमें बचा नहीं है। और आप लोगों का सहयोग रहेगा, उन दोनों पार्षदों को अगर आप जिता के भेजते हैं तो आने वाले सालों में अगर कुछ कार्य मेरे द्वारा बाकी रह गए हो तो उन कार्यों को भी वो फटाफट पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अतुल जी जो कि देवाली जो इलाका है वार्ड नंबर 3 से इस बार अपनी उम्मीदवारी दिखा रहे हैं और आपने उपलब्धियां गिनाई और उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले चुनाव को लेकर के भी मतदाताओं के लिए अपील की। अब देखना ये होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में किस तरह का रुख देता है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो नया आता है आप तक पहुंच जाए।